और तेज प्रताप यादव भी अब लगता है समाज सुधार कार्यक्रम में शामिल हो गए। उन्होंने गुटखा का विरोध करते हुए पान मसालों के पैकेट्स को फेंक कर अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस तरह के किसी भी उत्पाद पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। उन्होंने देश के युवाओं से आह्वान किया कि अच्छी चीजें खाएं लेकिन गुटखा को हाथ न लगाएं। तेज प्रताप ने सीएम नीतीश की सभा में पटाखे फूटने पर कहा कि सीएम की सुरक्षा बढ़ाए जाने की जरूरत है। पान में जर्दा जानबूझ का लोग मिलाता है नशा के लिए, पान को भी बेकार कर दिया सर। मीठा पान, मीठा पान खा सकते हैं आप। ये देखिए, ये जो रजनी, ये सारे जितने भी नशीले पदार्थ हैं सबको इसका हमने विरोध किया। ये हानिकारक पदार्थ जो है आज हमारा, हमने कल रात में ट्वीट किया था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरीके से शराब को बंद करने में और बढ़ा रहे हैं और शराब बंद हो नहीं पा रहा है, जिसका कारण कि शराब मिल रहा है सब जगह, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों तमाम लोगों को इसलिए यहाँ पे बुलाया है कि जिस तरीके से शराब बंद किया गया है उसी तरीके से ये जो हानि जो पहुँचाता है, जिसे कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है, रजनीगंधा है, ये रजनीगंधा और लोग तुलसी लोग खा रहे हैं। बहुत लोग को हम देख रहे हैं कि रजनीगंधा और तुलसी पे फोकस करते, ये जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है ऐसे पदार्थ को भारत से बैंड लगना चाहिए। इसलिए बैंड लगाने के लिए हमने अभियान को अभी चलाने का काम। अब रामनवमी के मौके पे नीतीश कुमार जी को कोई पूछ नहीं रहा था, तो हम भतीजा हैं तो पूछ लिए। हमने बोर्ड लगाया था नीतीश कुमार जी का, नो एंट्री का, तब उनके दिमाग में अगर घर में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ठीक है।